क्लास में है ई, कैपिटल ई स्मॉल ई, ई फॉर आई, जी फॉर एग, एफ, एफ फॉर फिश, एफ फॉर फिंगर, जी, जी फॉर गन, जी फॉर ग्रेप्स, एंड एच फॉर हाउस, एच फॉर हैट। तो चलिए आज करते हैं शुरू इंग्लिश की क्लास। तो किड्स, तो चलिए अब शुरू करते हैं इंग्लिश की क्लास। इंग्लिश की क्लास में हमने ए बी सी डी कर लिया है, आज हम लोग करेंगे ई। तो सबसे पहले ई लिखना सीखते हैं। ई में, कैपिटल ई में स्टैंडिंग लाइन खींचिए, वन स्लीपिंग लाइन, टू स्लीपिंग लाइन एंड थ्री स्लीपिंग लाइन, ये हो गया ई। इसमें आप डॉट से भी लिख सकते हैं, इस तरह से आपको डॉट्स बनाना है और डॉट को डॉट से मिलाना है। ये बन गया स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन, ये हो गया कैपिटल ई। और अब स्मॉल ई कैसे लिखते हैं, तो स्मॉल ई में आपको हाफ सर्कल बनाना है और एक छोटा सा गोला। फिर से बनाती हूँ मैं, छोटा सा गोला और हाफ सर्कल, ये है स्मॉल ई, कैपिटल ई, स्मॉल ई। ई फॉर क्या होता है, सबसे पहले ई फॉर होता है आईज, तो आईज को ड्रॉ करते हैं कर्व बना करके, ये बनाया मैंने कर्व, इसे बोलते हैं आईब्रो। ई फॉर आईब्रो भी होता है, ये है आईब्रो। और अब बनाएंगे ई फॉर आईज, वी हैव टू आईज, तो आईज जो है वो ओवल होता है और बीच में होता है आईज के एक सर्कल, ये हो गया आईज। तो ई फॉर आईज। अब क्या, अब हमें आईज बना लिया, ई वाई ई एस आईज। अब क्या बनाएंगे, अब हम बनाएंगे ई फॉर एग। तो एग क्या होता है, वो ओवल होता है, ये बन गया एग। ई फॉर एग, एग की स्पेलिंग ई डबल जी एग। तो हमने क्या लिखा, कैपिटल ई स्मॉल ई, ई फॉर आईज, ई फॉर एग। इसको अभी हम लोग कलर भी करेंगे, पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। अब चलिए लिखिए एफ। एफ बिल्कुल ई से मिलता जुलता है, इसके लिए भी हमें खींचनी है स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। इसमें दो स्लीपिंग लाइन होती है, टू स्लीपिंग लाइन्स। फिर से डॉट बना के देख लेते हैं, तो डॉट को डॉट से मिलाया, बन गई स्टैंडिंग लाइन, वन स्लीपिंग लाइन एंड टू स्लीपिंग लाइन, ये क्या बना एफ। एफ को स्मॉल में लिखने के लिए भी आपको चाहिए स्टैंडिंग लाइन और एक कर्व घुमाना है और बीच में छोटी सी स्लीपिंग लाइन। फिर से बताती हूँ, स्टैंडिंग लाइन, कर्व एंड स्लीपिंग लाइन, ये है स्मॉल एफ, कैपिटल एफ, स्मॉल एफ। एफ फॉर क्या होता है, तो एफ फॉर होता है फिश। तो चलिए फिश बनाने के लिए भी हमें बनाना है ओवल, ये बना दिया हमने ओवल, और यहाँ पे बना दिया ट्रायंगल, छोटे छोटे ट्रायंगल यहाँ पे बना देते हैं और ये बनाया आईज, और इसमें छोटे 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 कर्व बनाएंगे। तो ये क्या बन गई हमारी, एफ फॉर फिश, फिश मतलब मछली। तो आम मछली के साथ एक राइम भी याद कर सकते हैं, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। तो ये क्या बन गया फिश, एफ आई एस एच, क्या बना एफ फॉर फिश। आप क्या बनाएंगे, एफ फॉर फिंगर्स, सबके हाथ में, हमारे हाथ में कितने हैं, फाइव फिंगर्स, तो ये है हमारा थंब, वन फिंगर, टू फिंगर, थ्री फिंगर, फोर फिंगर, ये बन गया
फिंगर्स, इसमें नेल्स बना दीजिए। तो F फॉर फिंगर्स, फिंगर की स्पेलिंग F I N G E R, फिंगर, फिंगर मीन्स उंगली। तो F फॉर फिश, F फॉर फिंगर। अब हम लोग करेंगे G, आप देख के इसे ड्रॉ कर लीजिए, फिर इसको हम लोग कलर भी करेंगे। चलिए अब करते हैं G। G के लिए हमें बनाना है एक हाफ सर्कल, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन एंड फिर स्टैंडिंग लाइन। डॉट के लिए दो डॉट बनाया, इसको मिला दिया हाफ सर्कल से, फिर एक डॉट बनाया, इसको मिलाया और ये बन गया G। अब स्मॉल G, स्मॉल G के लिए आपको एक सर्कल बनाना है, सर्कल से एक स्टैंडिंग लाइन निकालना है और फिर उसको एक कर्व घुमा देना है। फिर से लिखूं, स्मॉल G, सर्कल, स्टैंडिंग लाइन एंड कर्व। तो ये क्या है, कैपिटल G और ये है स्मॉल G। G फॉर आपका फेवरेट, बहुत से बच्चों का फेवरेट होगा, G फॉर होता है गन। तो गन के लिए ये बना दिया पहले और एक ट्रिगर बना दिया यहाँ पर, ये बन गया आपका गन। बहुत सिंपल सा बनाया है गन ताकि आप इजीली ड्रॉ कर सकें। G U N, और क्या होता है G फॉर? G फॉर होता है ग्रेप्स, मैंने ड्राइंग की क्लास में फ्रूट्स वाले में बताया है, बहुत आसान है। ओवल बनाने आपको इसमें बहुत सारे, पर सबको सटा के बनाना है ओवल। ग्रेप्स इज अ फ्रूट, तो ये बन गया हमारा ग्रेप्स। G R A P E S, ग्रेप्स, कैपिटल G, स्मॉल G, G फॉर गन, G फॉर ग्रेप्स। अब करेंगे H। H के लिए हमें चाहिए दो स्टैंडिंग लाइन और बीच में एक स्लीपिंग लाइन। डॉट में भी ऐसे बनाया, डॉट को डॉट से मिलाया, डॉट को डॉट से मिला दिया, बन गया H। ये है कैपिटल H। स्मॉल H के लिए चाहिए हमें स्टैंडिंग लाइन एंड कर्व, स्टैंडिंग लाइन एंड कर्व, ये हो गया स्मॉल H। अब H फॉर क्या होता है, सबसे पहले बनाएंगे H फॉर हाउस। तो ये मैंने बनाया आपके लिए छोटा सा प्यारा सा हाउस, आप इसको देख के ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने ड्राइंग की क्लास में हाउस ड्रॉ करने का वीडियो शेयर किया हुआ है, आप उसको देख करके जाके ड्रॉ करके सीख सकते हैं। ये हमने बना दिया छोटा सा प्यारा सा हाउस, H O U S E, हाउस। और क्या होता है H से? H से होता है हैट। ये बन गया हैट, H A T, हैट मतलब टोपी, कैपिटल H, स्मॉल H, H फॉर हाउस, H फॉर हैट। अब हम लोग कलर करेंगे, तो अब हम लोग करेंगे कलर। कलर करने से बहुत अच्छे से याद हो जाता है और ड्राइंग प्रैक्टिस भी हो जाती है। तो सबसे पहले आईज किस कलर की होती है, ब्लैक कलर से। तो ये है ब्लैक कलर, ब्लैक कलर से हमने क्या कर दिया, आईब्रो, ई फॉर आईब्रो भी ई फॉर होता है, ये हो गया आईज। बाकी तो हमने पहले से ही किया हुआ है इसको, ठीक है। अब एग, एग होता है वाइट कलर, तो वाइट पे वाइट पता नहीं चलेगा, तो हम लोग इसको कर देते हैं थोड़ा सिल्वर वाइट से, हल्का हल्का, बिल्कुल हल्के हाथ से करेंगे एग को। ये है
सिल्वर वाइट। ई फॉर बोलते भी जाइए ताकि याद हो जाए। ई फॉर एग, ई फॉर आइज, हमने लिखा है कैपिटल ई और स्मॉल ई, ठीक है। ये हो गया एग, ई डबल जी एग, ई फॉर आइज, ई आई ई एस आइज। अभी जो बॉक्स है इसको हम लोग कर देंगे येलो कलर से करते हैं। स्मॉल वाले लेटर को येलो कलर से कर देते हैं और जो कैपिटल वाला लेटर है उसको कर देंगे ग्रीन कलर से, तो थोड़ा ये ब्यूटीफुल दिखेगा। ये हो गया हमारा ई कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, एफ। एफ फॉर हमने बनाया फिश। फिश को चलते ही करते हैं हम लोग ऑरेंज और ब्लू कलर से करेंगे, ठीक है। और हैंड हमारा किस कलर का है, तो स्किन कलर का, तो हैंड को करेंगे स्किन कलर से। तो ये हो गया आपका। अब हम लोग करते हैं एफ फॉर फिश और एफ फॉर फिंगर्स। तो पहले करेंगे फिश, फिश को कर देते हैं ऑरेंज, ओ आर ए एन जी ई, ऑरेंज कलर। कलर्स की स्पेलिंग भी मैंने एक वीडियो के थ्रू बताई हुई है, वो आप देखिएगा तो कलर्स की स्पेलिंग याद हो जाएगी। ड्राइंग की क्लास में मैंने ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं, रोज़ एक ड्राइंग क्लास भी हम करते हैं ना। और अब ये करेंगे ब्लू कलर से। फिश की स्पेलिंग क्या है बोलिए साथ में, एफ आई एस एच, फिश। फिश का मतलब होता है मछली। तो ये हो गया फिश। अब हम करेंगे हैं ये फिंगर्स, तो फिंगर हो गया, ये हो गया स्किन कलर। ओके, अब ये बैंगल्स हैं जो चूड़ी है उसको कर देते हैं पिंक कलर से। और नेल पेंट लगा देते हैं, चलिए थोड़ा सा खूबसूरत बनाते हैं इसको। तो ये हो गया एफ फॉर फिंगर, एफ आई एन जी ई आर फिंगर। तो स्मॉल के बॉक्स को करना है येलो कलर से, स्मॉल एफ है ये, और कैपिटल एफ को करेंगे ग्रीन से। तो ये हो गया कैपिटल एफ, एफ फॉर फिश, एफ फॉर फिंगर। अब क्या करेंगे, जी फॉर ग्रैप्स एंड जी फॉर गन। तो चलिए जी करते हैं। ग्रैप्स किस कलर से होता है, ग्रीन कलर से, डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन को मिक्स करके। तो हल्का हल्का सा इसमें मैंने फ्रूट्स वाली क्लास में भी आपको बताया हुआ है फ्रूट्स कलरिंग में ग्रैप्स कलर कैसे करना है। ये किया और फिर लाइट ग्रीन कर दिया। जी फॉर साथ में बोलते जाना है ताकि याद हो जाए। जी फॉर ग्रैप्स, ग्रैप्स मतलब अंगूर। और ग्रैप्स की स्पेलिंग जी आर ए, बोलते भी जाइए जी आर ए पी ई एस, ग्रैप्स। तो ये बन गया ग्रैप्स। और ये ग्रीन कलर का और कहाँ यूज करना है, हमें कैपिटल वाले जी के बॉक्स में भरना है। तो ये हमने फिल कर दिया कैपिटल जी में ग्रीन, ठीक है। ये हो गया ग्रैप्स। अब क्या बनाएंगे, जी फॉर गन। तो गन बनाते हैं ब्राउन कलर से और गोल्डन कलर से। ये कर दिया हमने ब्राउन, ये कर दिया ब्राउन, और आधे गन को कर देते हैं ब्राउन। और नीचे इसके कर देंगे गोल्डन। तो ये बन गया गन, जी फॉर गन, जी यू एन गन। अब हमारा क्या बचा, अब हमें करना है एच, एच फॉर, चलिए अब करते हैं एच। पहले एक चीज बच गई है, ये जी के स्मॉल जी को बॉक्स को फिल कर देते हैं येलो कलर से। ये हो गया गन।
अब करेंगे एच, एच फॉर हाउस एंड एच फॉर हैट। तो हाउस के लिए हमें चाहिए, ऊपर करेंगे इसको ब्राउन कलर से, हाउस को करेंगे रेड। तो चलिए हाउस करते हैं कलर। सबसे पहले हाउस में ऊपर कर देते हैं ब्राउन। ब्राउन में अगर हम लोग लाइट ब्राउन मिला के करते हैं तो ये और खूबसूरत लगता है, वेरी ब्यूटीफुल। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ करके, आप भी ऐसे करिएगा। ये मैंने लाइट ब्राउन लगाया इसमें, और अब इसको डार्क ब्राउन से जब मिक्स करेंगे तो ये बहुत सुंदर दिखेगा। ये मैंने आपको हाउस वाली ड्राइंग में बताया हुआ है, आप उस वीडियो को एक बार देखिएगा। ये हो गया हाउस। अब हाउस का नीचे पूरा हाउस रेड कलर कर देते हैं, बच्चों का फेवरेट कलर होता है रेड कलर, इसलिए मैंने कर दिया इसको रेड। और इधर कर देंगे लाइट ब्राउन। ये हमारा बन गया एच फॉर हाउस, ये हो गया डोर। अब क्या बचा, एच फॉर हैट। कौन से कलर की टोपी पसंद है आपको? चलिए हैट बनाते हैं हम, कुछ अच्छा सा कलर बनाएंगे आज हैट का। तो हैट बनाएंगे थोड़ा कलरफुल, पर्पल और पिंक से। तो ये बनाते हैं ऊपर पर्पल, पर्पल कलर को बोलते हैं वॉयलेट कलर। ये हो गया पर्पल, और यहाँ भी कर देते हैं पर्पल, और ये बनाते हैं इसको पिंक। तो ये बन गया एच ए टी हैट। अब क्या बचा, अब येलो एंड ग्रीन। तो येलो कलर एच स्मॉल एच एंड ग्रीन कलर कैपिटल एच। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा आज का इंग्लिश का क्लास। कैपिटल ई स्मॉल ई, E for eyes, E for egg, capital F, small f, F for fish, F for finger, capital G, small g, G for gun, G for grapes, capital H, small h, H for house, H for...